भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पीड़ित किसानों ने अपनी जमीन वापस किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप परिसर में बैठ अपना आक्रोश जताया। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुंबई नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्ग जिले के प्रभावित किसानों की भूमि में गैस कंपनी द्वारा जबरन अधिग्रहण किए जाने के साथ जमीन पर बिना किसान की अनुमति से गैस पाइपलाइन बिछाई जाने से परेशान किसान अपनी फरियाद लेकर सोमवार को जनदर्शन में गुहार लगाई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर परिसर पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। हम बता दें, अपनी फरियाद लेकर पहुंचे किसानों ने बताया है कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मुंबई नागपुर झारसुगड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु दुर्ग जिले के 21 गांव में गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना चल रही है, जिसमें 21 प्रभावित गांव के 881 किसानों की खेती की जमीन इस पाइपलाइन से प्रभावित हो रही है। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा फरवरी 2022 में इस हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना की नोटिस प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति की गई थी, लेकिन किसानों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दबाव पूर्वक गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किसानों की भूमि पर ही पाइपलाइन बिछाने के कार्यों को शुरू कर दिया गया। रघुवर प्रसाद साहू ग्राम ढौर के आदमी है। मोर कुल टोटल 4 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ जमीन में 3 एकड़ पूरा ऐसी तैसी कर दे है, वो दिखबे नहीं करे थे, और वो जबरन यह कर दे रस्सा बना दे सर। मैं तो अपन औलाद ला नहीं दूँ तो इला काबर दूँ सर। मैं वो अधिकारी ये बोलते जबरदस्ती ले लेंगे आपका जमीन, नहीं तो आपको उठा के ले जाएंगे बोलते। गुंडा भेजे रही से दो ठो बोलेरो में। हाँ, नहीं देवे जबरदस्ती उठा के ले जाबो, रायपुर ले जाबो, कैसे नहीं देवे होती लेबो होती काम करबो ऐसे बोल। कोई मोह कोल नो रिच नहीं मिले, बगल वाले जमीन वाले मिले हैं मोर 190/2 हरे और ये 191/2 में मिले हैं मोला मिले नहीं कागज वागज सर। अब क्या करूँ सर, फांसी लगाए के अलावा मोर कुछ नहीं है, फांसी लगाए के अलावा मोर कुछ काम नहीं है। क्या करूँ, उम्र हूँ, अब जमीन तो है नहीं, हुई जीता खाता बेरोजगार आदमी हूँ सर मैं। गेल इंडिया कंपनी द्वारा 1755 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जो कि मुंबई नागपुर छत्तीसगढ़ होते हुए झारसुगड़ा जा रही है, इसमें छत्तीसगढ़ के 9 जिले प्रभावित हैं और लगभग 250 से ज़्यादा गांव और तकरीबन हज़ारों की संख्या में जो है किसानों के खेत प्रभावित हो रहे हैं। दुर्ग जिले की मैं बात करूं तो 21 गांव और 881 किसान इस पूरी पाइपलाइन परियोजना में प्रभावित हो रहे हैं। फरवरी 2022 में पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी किसानों से यूज़र राइट्स लेने की, जिसके बाद किसानों को नोटिस दिया गया। किसानों ने दावा आपत्ति की, लेकिन गेल इंडिया कंपनी ने उन तमाम आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया और यूज़र राइट्स हेतु अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। आज स्थिति ये है कि किसान आए दिन इस गेल इंडिया कंपनी के पाइपलाइन परियोजना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन गेल इंडिया कंपनी दमनपूर्वक दबावपूर्वक किसानों को डरा धमका के 20 मीटर चौड़ी उनके खेतों में एक सड़क बना दी गई है और पाइपलाइन बिछाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। किसानों के सारे विरोध को दरकिनार कर दिया गया। प्रभावित किसानों ने 2 बार जिला प्रशासन से आग्रह किया कि इस विषय को संज्ञान में ले, लेकिन जिला प्रशासन ने भी कोई रुचि अभी तक इस मामले में नहीं ली है। बोड़े गांव के किसानों का आरोप है कि SDM रावटे जी खुद गांव में आकर किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें पुलिस की धमकी दी जा रही है। आज दिनांक तक गेल इंडिया कंपनी द्वारा इस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित कोई उचित जानकारी किसानों को नहीं दी गई है। किसान आज भी जानकारी के अभाव में है कि ये पाइपलाइन क्या है, इसमें कितनी पाइप कितने गैस जाएगी, कितने प्रेशर से जाएगी, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और दबाव पूर्वक इस पूरी पाइपलाइन परियोजना का जो काम हो रहा है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज इस जनदर्शन के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ज्ञापन दिया है और हमारी 2 मांगें स्पष्ट हैं कि एक, जो पाइपलाइन बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और दुर्ग जिले के 21 गांव में जो पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इस आंदोलन को और आगे तेज किया जाएगा। धन्यवाद। किसानों ने आक्रोश जताकर अपना विरोधी स्वर दिखाया है। देखना है मामले में किस तरह का फैसला लिया जाता है। क्रेन एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।